ज्ञान मर गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 6 मई 2021 और भी बच चुके हैं सुबह के 6। तो आज के दिन की हमारी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हम सुबह सुबह सबसे पहले तो गए एक देसी कायरोप्रैक्टर के पास। क्यों? क्योंकि पापा की जो सबसे छोटी उंगली है वो गई थी ठुक, पता नहीं कैसे, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा पेन था। तो पापा के एक फ्रेंड है, हम उनके पास गए थे, वो इसी चीज का ही इलाज करते हैं, जैसे कि तुम्हारे जॉइंट, मतलब देसी कायरोप्रैक्टर, ऐसी आयुर्वेदिक चीज है कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले तो हम उनके पास गए, तो आप उनके शॉर्ट्स इन्जॉय करो। वहाँ पे एक और अंकल आ रखे थे, लेकिन उनका मैंने फेस ब्लर कर दिया और अंकल का भी फेस ब्लर कर दिया ड्यू टू प्रिवेसी रीजंस, बट स्टिल यू कैन गेट अ आइडिया हाउ डज इट गेट प्रैक्टिस्ड एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले तो आप वो चीज इंजॉय करो, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पापा के हिसाब से वो काफी दर्दनाक एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे को देखने में काफी मजा आया। ऑब्वियस सी बात है, टचवुड मेरे को ना लेना पड़े भाई। वो अंकल को लटा के जॉइंट्स में से टक 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 आवाज निकाली, लेकिन यूनिक एक्सपीरियंस था। तो आज के दिन की हमारी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है और पापा अब रेस्ट कर रहे हैं वहां पे बाहर बैठ के, आप लोग देख सकते हो। तो हम ये बाहर ही चलते हैं और बाहर का आनंद लेते हैं और पिताजी के व्यूज पूछते हैं। हाँ जी, क्या व्यूज हैं आपके उंगली ठुकवा के? बहुत बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है। पेन थोड़ा सा होता है, लेकिन इसका कोई कैमरा मेरी तरफ है, सिर्फ माइक आपकी तरफ है। इसका कोई तोड़ नहीं होता है, पेन जरूर होता है, बट आई एम नॉट डिनाइंग द मेडिकल हिस्ट्री, बट मेडिकल हिस्ट्री मेडिकल साइंस से भी ज्यादा ये इफेक्टिव होती है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पिताजी की भी राय भी सुन ली है हमने इस चीज पे, होप सो हमें कभी इस चीज की जरूरत न पड़े, क्योंकि काफी स्केरी एक्सपीरियंस था, देखने में मजा भी आया और काफी डर भी लगा। लेकिन चलो कोई ना, इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर, और लेते हैं आज के दिन से एक नया एक्सपीरियंस। तो भाई साहब, चिड़ियाओं में भी थर्ड व्हीलिंग हो रही है आजकल, तो क्या होगा इस देश का? ये दोनों आशिक चिड़िया और वो बेचारा थर्ड व्हीलिंग करता हुआ दोस्त। या तो भाई साहब ये थर्ड व्हीलिंग चल रही है चिड़ियाओं की, या वो बेचारी कली चिड़िया वेट करी अभी, साले तू कब छोड़ मैं पकड़ूं। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन देश संकट में है, कुछ नहीं कह सकते। चिड़ियाएं भी थर्ड व्हीलिंग करने लग गई यार, यही देखना रह गया था जिंदगी में। अच्छा इंसान तो चलो फिर भी आजकल बच्चे 14 साल के 15 साल के निब्बा निब्बी तो फिर भी करते हुए ठीक लगते, लेकिन ये नहीं यार, ठीक तो वो भी नहीं लगते, कोई नहीं ठीक लगता थर्ड व्हीलिंग करते हुए। अपनी अपनी बंदियां पटाओ सारे। हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइम और आज ब्रेकफास्ट में बने हैं ये, आप लोगों को लग रहा होगा ये आलू है, लेकिन ये आलू ही हैं। तो अब खाते हैं आराम से ब्रेकफास्ट, और ये इतने ज्यादा यम्मी लगते हैं ना ये वाले आलू, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे को तो इतने ज्यादा बढ़िया लगते हैं ना। अभी पहले तो किचन से सामान सामून नीचे उठाना है, फिर खाना खाएंगे। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, सिंपल पराठी और ये आलू, एक नंबर। तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो हो चुका है कंप्लीट 11 बजे, नहीं तो जनरली हमारा 1 बजे होता है। तो आज इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट हमारा इसलिए हो गया क्योंकि आज हमारे घर के काम जल्दी निपट गए थे, क्योंकि काम वाली आंटी सुबह 8 बजे आ गए थे, जब हम उन कायरोप्रैक्टर के पास जा रखे थे, देसी कायरोप्रैक्टर के पास जा रखे थे, तभी सारे काम हो गए थे हमारे, मतलब तब आंटी आ गए थे। तो हमारा 9:30-10 बजे तक सारा काम हो गया, 11 बजे अब हम फ्री हैं, हमने कुछ नहीं करना, आराम से यूट्यूब देखना है और चिल मारना है। तो देखते हैं आज की नवा क्या है यूट्यूब पे, क्या बवाल चल रहा। वैसे टीवी पे यूट्यूब देखने का ये तो फायदा भी, एक तरफ तुम व्लॉग कर सकते हो, एक तरफ तुम यूट्यूब कर सकते हो, दोनों काम एक ही साथ, टिक 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 टिक। अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट को दोबारा से, क्योंकि अभी अभी हमें एक खुशखबरी भी कह सकते हैं, दुखद की खबरी भी कह सकते हैं, वैसे ज्यादा है तो खुश की, क्योंकि हम तीनों को चश्मे लग रखे हैं, मेरे को, पापा को और मेरी बहन को, मम्मी को नहीं लग रखे थे। तो फाइनली मम्मी को भी जो है चश्मे लग चुके हैं, तो मम्मी के चश्मे पिक करने जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत बैंक का भी काम है वो भी निपटाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कैसे लगते हैं मम्मी पे चश्मे। जो बैंक का काम है वो हो गया है कंप्लीट, बाहरी दीदी ने पढ़ा दिया, क्योंकि दीदी अंदर जाना अलाउ नहीं कर रही थी, छोटा सा ही काम था, तो दीदी को ही हमने पढ़ा दिया अपना सामान।
अपना चेक मतलब, तो अब आप लोगों से सीधा हम अपने चश्मे वाले की दुकान पे ही मिलते हैं। तो फाइनली अब हम लोग आ गए घर वापस, मम्मी के चश्मे भी ले आए हैं। एज एक्सपेक्टेड मम्मी व्लॉग में नहीं आना चाहती क्योंकि उनके व्लॉग में आना इतना अच्छा नहीं लगता, सो इट्स हर चॉइस। लेकिन चलो कोई ना, हमारा तो मेन एम था आप चेक ड्रॉप करना, वो हम कराए सारे बैंक्स में। मैं दिखाया आप लोगों को एक ही क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था, बाकी के बैंक्स तो आपने पहले भी देख ही रखे हैं। आंटी आई बाहर, आंटी ने कहा क्या काम है, रूडली का, फिर रूडली पूछा मेरी हंसी। अच्छा जब कोई मेरे से रूडली बात करता है ना, मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत है, मेरी हंसी छूट जाती है पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा आंटी जी ये चेक ड्रॉप करना है, कहता पीछे साइन हो रखे हैं, मैं कहा हाँ हो रखे हैं। फिर कहती चल देते, मैं कहा ले लो जी आंटी जी हमको क्या। फिर अप्पा भी चलो जी अब घर आ गए, अब तो आराम से रेस्ट करेंगे। और भाई साहब गर्मी जितनी हो रही है ना, ओ मैं तो ये भी एक शायद से नारियल पानी पड़ा घर पर, नारियल पानी लपेटूंगा। तो अब आपको सीधा नेक्स्ट शॉट पे ही मिलेगा ये प्यारा सा उदय कंबोज। तो अभी मैं आया हूँ बाहर अपना नारियल पानी लेके। बंदर भाई साहब इतनी गलत गर्मी हो रही है ना, इतनी ज्यादा क्या नहीं कोई हद नहीं। तभी मैंने ये खोला और ये सिर्फ गले गले को ठंडक देता है, बाहर से तो बॉडी में अभी भी पसीना निकल ही रहा है। लेकिन चलो कोई ना, अभी थोड़ी देर तक एसी चलाने, वैसे इस टाइम पे एसी चलने को कोई फायदा नहीं क्योंकि पूरी रात एसी चलता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा हो ही जाता है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। और अभी मम्मी हमारे लिए पपाया भी काट रही है। वैसे हम रोज, हमें ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए, हम रोज इसी टाइम पे 3 बजे के करीब कुछ ना कुछ फ्रूट खाते हैं जो कि बड़ा जरूरी है। तो आज मेरा कोकोनट वाटर पीने का मन किया तो मैंने कोकोनट वाटर पिया। अभी पपाया पे भी थोड़ा सा हाथ पारू मारूंगा, देखते हैं घर वाले क्या कहते हैं कि अभी तूने नारियल पानी पिया और अभी पपाया। लेकिन जरूरी है भाई साहब, सब चीजें शरीर के लिए जरूरी है। तो अब आराम से पपाया कटता हुआ देखते हैं हम कैसे काट रहे हैं मम्मी। तो जो हमारा पपाया है वो तो कट चुका है, लेकिन अभी नींबू मिर्च लगाना रहता, जब तक वो नहीं लगेगी तब तक स्वाद नहीं आएगा। ऐसे बड़ा फीका फीका सा लगता है, लेकिन ठीक है अब जैसा मर्जी है। तो अभी बच चुके हैं शाम के 4 और 1 घंटे में लग जाएगा चंडीगढ़ में लॉकडाउन। और मैं बाहर आया था माहौल देखने के लिए और भाई साहब देखो क्या दिखा, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा धूप में, बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश बैक कैमरे से दिखा, बुलेट वाले को कह रहा था, मैं किसी की जानवर जुनवर को नहीं कह रहा था। कभी आप समझो कि मैं किसी कुत्ते या बिल्ली को कह रहा हूँ जो मेरे घर के पास हो, बुलेट वाले को कह रहा था, सारा व्लॉग नहीं करने दे रहा था। तो अब आप बैक कैमरे से देखो, और अगर इस चीज के टाइम लैप्स ना लिए ना भाई साहब जिंदगी वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप लोगों को इसके टाइम लैप्स दिखाते हैं हम सीधा, और भाई साहब मेरे को फटाफट करना पड़ेगा कभी पूरा सूरज छिप ही ना जाए। तो बस टाइम लैप्स के बाद मिलते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये सिंगल बादल के टाइम लैप्स अच्छे लगे होंगे, मेरे को काफ़ी प्यारा सा लगा। तो मैंने सोचा भाई साहब इसके टाइम लैप्स तो निकालने जरूरी है क्योंकि ये हमारी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा बन जाएगा, इस चैनल की जर्नी का एक हिस्सा बन जाएगा ये बादल। तो इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नवी जर्नी, एक नवे एडवेंचर, एक नवे एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।